नमस्कार। जिला गरियाबंद में श्रमजीवी पत्रकार संघ फिंगेश्वर ने एक अनोखी और अभिनव पहल की शुरुआत की है। दरअसल पत्रकारों द्वारा स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ मिलकर नशा मुक्ति का संदेश जन जन तक फैलाने का बीड़ा उठाया है। देखिए शेख इमरान की एक खास रिपोर्ट। पत्रकार सिर्फ समाचार लिखने व सवाल पूछने या मुद्दा उठाने का काम ही नहीं करते, बल्कि समाज को एक अच्छा संदेश देने की भी जिम्मेदारी लेते हैं। कुछ ऐसी ही सोच लेकर लगातार श्रमजीवी पत्रकार संघ फिंगेश्वर के पत्रकारों ने नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत कर एक अभिनव पहल की शुरुआत की है। पत्रकारों के इस अभियान को स्कूली बच्चों का भरपूर साथ मिल रहा है, जो देखने को मिला फिंगेश्वर विकास खंड के शासकीय स्कूल बेलर में, जहां छात्र छात्राओं ने सैकड़ों की तादाद में पत्रकारों द्वारा आयोजित नशा मुक्ति अभियान के तहत गांव के मुख्य मार्ग में विशाल रैली निकालकर नशे से निजात दिलाने लोगों को प्रेरित करते हुए आम जन को नशा मुक्ति का संदेश दिया। सबको ये जागरूक किए कि नशा करने से कैंसर, कुछ बहुत सारी बीमारियां होती है, इसको छुड़ाने के लिए हम गांव में भ्रमण किए। हमारे स्कूल के अंतर्गत सभी छात्र छात्राएं हमारे गांव में नशा मुक्त के लिए भ्रमण किए। क्या क्या संदेश दिया गांव वाले को? जन जन का यही संदेश, नशा से मुक्त हो अपना देश। कितने बच्चे रैली में थे आप लोग? 500 से अधिक। श्रमजीवी पत्रकार संघ के नेतृत्व में आयोजित एक दिवसीय नशा मुक्ति शिविर में पंचायत के जन प्रतिनिधियों के अलावा फिंगेश्वर पुलिस सहित स्कूली छात्र छात्राओं ने सादे समारोह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वहीं पत्रकारों के द्वारा किए गए अभिनव पहल को लोगों ने जमकर सराहा। आज बेलर में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है, जो पत्रकार द्वारा एक अच्छा पहल था। हमारे सभी बच्चे को अच्छा शिक्षा भी मिला। विशाल रैली लेके आज हम लोग निकले थे बेला। 18 साल के कम से कम छोटे बच्चे लोग तो तंबाकू ना खाएं, बीड़ी ना पिए, कैंसर है अपना, जो भी टीबी बीमारी है, कैंसर पड़ेगा। बच्चे लोग निकाले हैं रैली, तो इससे अच्छा मतलब फर्क पड़ेगा कम से। हमारे गाँव में शासकीय उच्च माध्यमिक के बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाएं नशे मुक्ति के बारे में आज रैली निकालें, और उसके साथ पूरा पत्रकार भैया लोग सहयोग किए। आयोजित सभा में वक्ताओं ने आधुनिक परिवेश में दिन ब दिन स्कूली छात्र छात्राओं सहित आम आदमी गुटखा पाउच व तंबाकू से बने नशीली चीजों का उपयोग करने से गंभीर बीमारी से बचने की जानकारी दी गई, साथ ही नशे से दूर रहने के लिए अपील की गई। इस मौके पर संवाददाता शेख इमरान ने स्कूली बच्चों से बात कर उनकी राय ली और समझने की कोशिश की कि नशा कितना बुरा है और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट में। यहाँ पे मेरे साथ कुछ विद्यार्थी मौजूद है जो देश के भविष्य माने जाते हैं, और आइए इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर नशा कितना बुरा है। नशा कितना बुरा है? बहुत बुरा है। अच्छा, ऐसा देखने को मिलता है कि जब घर में जाओ तो काका है, चाचा है, पिताजी है, शराब पी का कितना लड़ाई करते, कहीं देखे बहुत लड़ाई करते। ऐसे पढ़ाई कैसे पूरा होता है? नहीं होता है। अच्छा, जब आप लोग स्कूल आते हैं तो रास्ता में कोई शराबी देख के आप लोग के मन में कैसा लगता है? पता आप बताएं। ये कहीं जाकर मरेगा रे, बहुत बुरा लगता है। अच्छा आप लोग बताओ, नशा मुक्ति के लिए जैसे नशा जो करता है उसको दूर भगाने के लिए क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, आप बताओ? उसे बंद करना चाहिए। शराब मिलता है उसे बंद करना चाहिए, पाउच मिलता है उसे बंद करना चाहिए, और बीड़ी जो भी नशा चीज है उसे बंद करना चाहिए। क्या क्या बोलो? जुआ बंद कर देना चाहिए। आप लोग मानते हो कि शराब पीने से जो है सड़क दुर्घटना ज्यादा होता है? हाँ, होता है जी, बिल्कुल। तो ये है कुछ जो छात्र है उनका राय है, और ये सरकार से ये अपील करते हैं कि सरकार को ऐसे
जो नशा जो पदार्थ है उसको बंद कर देना चाहिए। तो ये विद्यार्थियों का राय है और इसे इस राय को सरकार को माननी चाहिए। वहीं जिले में पत्रकारों के इस अभिनव पहल को लेकर लोग खूब प्रशंसा कर रहे हैं। आज स्कूली बच्चों ने नशा मुक्ति के तहत ग्राम बेलर में रैली निकाल कर तमाम उन लोगों को ये संदेश देना दिए हैं जो नशा करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, लगातार ये नारे लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, यह जो प्रयास है ये पत्रकारों द्वारा किया गया है। तो नशा एक बेहद ही बुरा असर करता है शरीर पर। नशा को लेकर सरकार एक तरफ काम भी कर रही है और ये देखने को मिला है कि नशा की हालत में आज बहुत से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, घटना हो रहा है, अपराध भी हो रहा है। तो आज बच्चों के माध्यम से समाज में संदेश फैलाने की कोशिश किया गया है ताकि लोग जो है नशे से दूर रहे। इसी संदेश को लेकर पत्रकार संघ लगातार स्कूलों में जाकर नशा मुक्ति अभियान चले हुई है और यह अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। Glyph.in के लिए कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ शेख इमरान गरियाबंद। Glyph.in में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। For more information, log on to www.glyph.in.